जोड़ियां आसमान से बनकर आती हैं, ये जरूरी नहीं कि जिससे हम प्यार करते हैं ताउम्र उसी के साथ रहे। भगवान ने ये पहले ही निर्धारित कर दिया होता है कि हमारा साथ किसके साथ कितना है। इस दुनिया में किसी का प्यार मुकम्मल हो जाता है तो कुछ को इसके लिए भटकना पड़ता है। काफी लोग हैं जिन्हें प्यार हुआ है लेकिन उन्हें इसके लिए जिंदगी भर तड़पना पड़ा है। आम लोगों से लेकर बड़ी हस्तियों तक के नाम इसमें शामिल हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल और डिंपल कपाड़िया की, जिन्होंने इन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्होंने एक दूसरे को दिल तो दे दिया लेकिन कभी भी इन्हें एक दूसरे का साथ नसीब नहीं हुआ। आज हम अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सनी देओल और डिंपल की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल सनी देओल का नाम बॉलीवुड के कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा लेकिन डिंपल कपाड़िया और अमृता सिंह के साथ उनके खूब चर्चाएं रही हैं। डिंपल के साथ उनके इश्क के किस्से बॉलीवुड के गलियारों में खूब सुने गए। शादीशुदा होने के बाद भी सनी डिंपल के प्यार में इस कदर डूब गए थे कि उन्होंने किसी की परवाह किए बगैर इस रिश्ते को जारी रखा। कहते हैं कि सनी देओल और डिंपल कपाड़िया के बीच रिश्ते जो इन दोनों के बीच के जो रिश्ते थे वो किसी से भी कभी नहीं छुपे। इन दोनों की जो लव स्टोरी थी वो 90 के दशक में काफ़ी सुर्खियों में बनी रही। अपने पहले प्यार अमृता सिंह से अलग होने के बाद सनी को सहारे की जरूरत थी। इधर डिंपल और राजेश खन्ना का तलाक हुआ ही था, डिंपल भी तन्हा थी। ऐसा माना जाता है कि सनी देओल और डिंपल कपाड़िया के बीच फिल्म बेताब की शूटिंग के दौरान नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हो गई। इसके बाद सनी और डिंपल ने फिल्म मंजिल मंजिल, आग का गोला, गुनाहा, नरसिम्हा जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। फिल्मों में दोनों की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई। दरअसल ये वो दौर था जब डिंपल शादी और मां बनने के बाद फिल्मों में कमबैक कर चुकी थी। उस दौर में ये बातें भी सामने आई कि उस वक्त शादीशुदा होने के बावजूद सनी ने डिंपल को अपनी बीवी जैसे दर्जा दे रखा था। दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी। राजेश खन्ना से शादी करके और फिर बेटियां ट्विंकल और विंकी के जन्म के बाद डिंपल ने फिल्मी दुनिया में लौटने का फैसला किया। उन्होंने राजेश खन्ना के खिलाफ जाकर कमबैक करने की ठानी थी। हालांकि वो शादी के कुछ वर्षों बाद ही राजेश खन्ना से अलग हो गई थी क्योंकि राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिंपल फिल्मों में काम करे शादी के बाद। दरअसल बताते चले कि काका का ये मानना था कि डिंपल घर और बच्चों की जिम्मेदारी संभाले मगर डिंपल कपाड़िया को मंजूर ये नहीं था। शादी के कुछ समय बाद ही डिंपल और राजेश खन्ना से अनबन होने लगी थी उनकी और उसके बाद करीब 10 साल तक साथ रहने के बाद साल 1982 में दोनों ने अलग रहने का फैसला किया। यहाँ तक कि आपको ये भी बता दें कि अलग रहने के फैसले के बाद दोनों ने तलाक तो नहीं लिया। खबरों की माने तो टीना मुनीम के कारण डिंपल और राजेश खन्ना में दरार आ गई थी। बॉलीवुड एक्टर सनी की फिल्म गदर 2 का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के सेट पर कई तस्वीरें और वीडियोस भी वायरल हुई थी। बताते चले कि जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी तब लोगों ने इसका बेसब्री से इंतजार किया जिसे देखकर एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और बताते चले कि जब इन दोनों के अफेयर की चीज़ें चल रही थी ना तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि पूजा संघ शादी के बावजूद भी सनी डिंपल कपाड़िया संग सीक्रेट अफेयर चला रहे थे। दोनों के रिश्ते में काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। बताते चले कि सनी देओल और डिंपल कपाड़िया का जो अफेयर रहा है वो काफी ही ज्यादा सुर्खियों में रहा है एक टाइम पे। दरअसल सनी देओल और डिंपल कपाड़िया ने एक साथ कई सुपरहिट फिल्में की हैं जिसमें कि मंजिल मंजिल, आग का गोला, गुनाह, नरसिम्हा जैसी मूवीज शामिल हैं। लेकिन इन्हीं फिल्मों की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच अफेयर के किस्से, दोनों के बीच की जो प्यार की चिंगारी थी वो तब लगी। उस समय डिंपल राजेश खन्ना और सनी देओल के पूजा के साथ शादी कर चुके थे। साल 1990 में दोनों स्टार से कुछ फोटोज और वीडियोज भी वायरल हुई थी जिसमें की सनसनी मचा कर रखी थी। फोटोज में इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। डिंपल की दोनों बेट या ट्विंकल और सनी देओल को छोटे पापा कहकर बुलाती थी। बताते चले कि जो सनी देओल का वो रिश्ता था वो ऐसे टाइम पे टूटा जब उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनका रिश्ता इस तरह से टूटेगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जाता है कि दोनों शादी भी कर चुके थे लेकिन सनी देओल की पत्नी पूजा ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर वो रिश्ते को खत्म नहीं करेंगे तो वो उन्हें तलाक देकर बच्चों को लेकर चली जाएंगी। जिसके बाद परिवार टूटने के डर से सनी पाजी ने अपने पैर पीछे खींच लिया और इस रिश्ते का यही अंत हो गया। वहीं कुछ समय बाद ट्विंकल खन्ना भी इस रिश्ते के खिलाफ हो गई। बता दें कि सनी देओल और डिंपल की लव स्टोरी भले ही मुकम्मल नहीं हो पाई लेकिन दोनों की जो दोस्ती है वो आज तक कायम है।
जी हाँ, बताते चले कि दोनों आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। बॉलीवुड के लव अफेयर के लिस्ट में डिंपल कपाड़िया और सनी देओल का नाम सबसे टॉप पर आता है और ये दोनों की जो लव स्टोरी है वो टॉप पर शुमार है। इनकी लव स्टोरी इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि जहाँ एक और सनी देओल शादीशुदा थे तो वहीं डिंपल कपाड़िया भी बॉलीवुड के दिग्गजों एक्टर राजेश खन्ना के साथ शादी के बंधन में बन चुकी थी। चार दशक से ज्यादा समय बीतने के बाद भी डिंपल कपाड़िया और सनी देओल की लव स्टोरी की अफवाह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जी हाँ, बताते चले कि इतने टाइम के बाद भी, चार दशक से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी डिंपल कपाड़िया और सनी देओल की जो लव स्टोरी की कहानी है उनकी जो अफवाह है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दरअसल बताते चले कि पिछले कुछ टाइम के दिनों में दोनों की लव स्टोरी की बातें फिर से सुर्खियों में आ गई हैं जब दोनों की तस्वीर सोशल मीडिया पे साथ में वायरल हो गई। तस्वीर में दोनों साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर लंदन के एक बस स्टैंड की थी जहां दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए बैठे थे। डिंपल के साथ उन्होंने काम किया था बल्कि कई बोल्ड सीन्स भी दिए थे। मंजिल मंजिल और आग का गोला जैसी फिल्मों में वो दोनों एक साथ काम किए थे और दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हुए दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। दोनों के प्यार के चर्चे बॉलीवुड में होने लगे थे। बताते चले कि कभी उन्होंने रिश्ते पर बात नहीं की, लेकिन हाँ, डिंपल और सनी देओल दोनों ही शादीशुदा थे इसीलिए अपने इस रिश्ते को कभी दोनों पब्लिकली बात नहीं करते थे। लेकिन कहा यह भी जाता है कि शादीशुदा होने के बाद भी डिंपल को उस समय सनी ने अपनी पत्नी का दर्जा दे रखा था। हालांकि इन खबरों पर दोनों स्टार्स ने हमेशा चुप्पी साधे रखी इस एक्ट्रेस के रिश्ते को। बताते चले कि यहाँ तक कि ये भी कहा गया था, एक्ट्रेस ने खुद अपने रिश्ते को कन्फर्म किया था। दरअसल डिंपल कपाड़िया से पहले सनी देओल सैफ अली खान के एक्स वाइफ अमृता सिंह को डेट कर रहे थे। सनी और डिंपल के रिश्ते पर मोहर अमृता सिंह ने ही लगाई थी, जिसके बाद सनी की पत्नी पूजा ने अपने पति को धमकी भी दी थी और कहा यह भी जाता है कि पत्नी की धमकी को सुनने के बाद ही सनी ने डिंपल से दूरी बना ली थी और प्यार और परिवार में से सिर्फ और सिर्फ परिवार को ही उन्होंने चुना था। बताते चले कि आज भी दोनों की जो दोस्ती है, दोनों का जो दोस्ती का जो रिश्ता है वो आज भी कायम है। लेकिन प्यार भले ही मुकम्मल ना हुआ हो, प्यार को भले ही मुकाम हासिल ना हुआ हो, लेकिन ये सितारे आसर एक दूसरे के साथ एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छा रिश्ता निभाते हुए नजर आते हैं। वहीं पर बताते चले कि जो इन दोनों की दोस्ती है वो आज भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। कहते हैं कि प्यार अगर किया है तो उसको पाना ज़रूरी नहीं है, अगर आप एक दूसरे को दिल में उतने ही सम्मान और उतनी ही इज्जत सालों बाद भी देते हैं तो वो रिश्ता मुकम्मल हो जाता है। वैसे आपको इस पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें सवाल। बताते चले कि सनी देओल के बेटे के करण की शादी के बाद उनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चा में आ गई। उनकी वाइफ पूजा की तस्वीरें देखकर लोगों ने कई तरह के कयास लगा डाले। इसके साथ ही सनी देओल के अफेयर्स के किस्से भी फिर से दोहराए जा रहे हैं। बता दें कि सनी देओल ने बेताब से डेब्यू किया था, साथ ही इस दौरान फिल्म की एक्ट्रेस अमृता सिंह के साथ उनका नाम जुड़ा था। बाद में डिंपल कपाड़िया और उनके बारे में कई तरह की कहानियां गॉसिप गलियारों में लंबे वक्त तक घुसती रही। साथ ही अमृता का एक इंटरव्यू भी काफी चर्चित हुआ था जिसमें कि उन्होंने डिंपल और सनी के अफेयर को के इशारों को कंफर्म किया था। बताते चले कि 1993 में बेताब से डेब्यू करने के बाद सनी देओल का नाम उनकी को-स्टार अमृता सिंह के साथ जुड़ा था। एक साथ कई सालों के बाद सनी देओल की शादी की तस्वीरें भी वायरल हुई थी। इसके बाद सनी और अमृता के ब्रेकअप की खबरें आई थी। रिपोर्ट्स ये थी कि अमृता इस बात से काफी दुखी हुई और उन्हें चीटेड फील हुआ था। जी हाँ, बताते चले कि पर्दे पर सनी देओल की जोड़ी डिंपल कपाड़िया के साथ बनी। उन्होंने साथ में कई फिल्में की और उनका ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी चर्चा में आ गई। दोनों शादीशुदा थे फिर भी देखते ही देखते दोनों के अफेयर के किस्से हेडलाइंस बन गए। अमृता सिंह ने एक पुराने इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहा जिसे सनी और डिंपल के रिश्ते का कंफर्मेशन माना गया। अमृता सिंह ने कहा था, उनके पास खोने को कुछ नहीं है और सबसे अहम बात, वो जब जहां चाहती हैं उनका बंदा मौजूद रहता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि रिश्ते में कोई अंजाम नहीं होगा। आप साथ में पूरी उम्र गुजार चुके हैं, रिश्ते से खुश हैं और अभी भी रिश्ता बाकी है।